गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इंडियन गर्ल और मैं हूं मोनालिसा सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं मेरा एक साल का हेयर लॉस जर्नी और उसको कैसे फिक्स किया उसके बारे में ओपन अप होने वाली हूं इट वाज वेरी डिप्रेसिंग एंड uh, मैं उसको लेके काफ़ी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी आई आई नो कि ये गुड पर्सनैलिटी नहीं है उसको लेके एम्बेरस फील करना बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी तब मतलब बाहर निकलने में बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी हर वक्त कैप पहन के रह रही थी सो so, इन सब को लेके मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एंड उसको कैसे फिक्स किया धीरे धीरे नेचुरली उसके बारे में भी बताने वाली हूँ सो so, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि कैसे वो हेयर लॉस स्टार्ट हुआ ताकि अगर आपका भी इसी कारण की वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो आप भी थोड़ा सा रिलेट कर सको मैं मेरा वेट लॉस जर्नी पे थी मेरा वेट था गुड सिक्सटी नाइन के जी उसके बाद मैं वॉकिंग करते हुए डाइट को मेंटेन करते हुए मेरा वेट को 50 तक के तक लेके आई थी एंड उसके बाद मैं जिम जाना स्टार्ट की थी आ, मेरा वेट आ गया था अराउंड 48 एट अराउंड जनवरी और फेबर मेरा हेयर लॉस बहुत बुरी तरह से स्टार्ट हो गया था लाइक अराउंड सेवेंटी टू नाइनटी हेयर फॉल्स टू हंड्रेड हेयर फॉल्स एवन अ डे जब मैं कोम करती थी वालों को और जब मैं हेयर वॉश करती थी तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था तो जैसे कि आप जानते हैं की मेरा हेयर बहुत लंबा था थर्टी थ्री इंचस लंबा था तो मैं इसको कट करके अराउंड दिस लेंथ तक लेके आई थी और फिर मैं टोक्यो चली गई थी मैं जिम जाना स्टार्ट कर दी थी एंड टोक्यो जाने के बाद मेरा हेयर लॉस इतना एक्सेसिबली स्टार्ट हो गया था कि बीच में एक ऐसा टाइम था कि मैं तीन हफ्ते के लिए मेरे बालों को कंगी नहीं की थी बस फिंगर टिप से उसको सुलझा रही थी और बस एक छोटा सा चोटी बना के रख देती थी, थी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी मेरा बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था वहाँ जाने के बाद घर का खाना बनाना बर्तन धोना घर का काम ऊपर से स्टडी भी स्टार्ट हो गया था जिम भी जाती थी और मैं अपने डाइट को इम्प्रूव नहीं की थी तो मेरा वेट हो गया था 45 फाइव के जी जो कि मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था सो मैं सेप्टेम्बर में डॉक्टर के पास गई मैं मैंने आप बोलो कि मतलब इंटरनेट पे कोई ऐसा रेमेडी है जो मैंने ट्राई नहीं किया था हर होम मेड रेमेडी हेना हेयर मास्क एग हेयर मास्क फेनोग्रिक वाटर मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था राइस वाटर पर कुछ नहीं काम किया था तब सो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया और उससे पता चला कि मेरे अंदर न्यूट्रिशन का जो विटामिन मिनरल्स का डेफिशंसिस चल रहा है तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अब से सप्लीमेंटेशन करना है तो उन्होंने बताया विटामिन डी थ्री विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी आयरन जिंक इन सब का सप्लीमेंटेशन करने के लिए सो उसके बाद मैं इंडिया आई एंड उसके उसके बाद थोड़ा सा टाइम बिजी हो गई थी एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे सप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट की लास्ट जनवरी से सो so जनवरी 2023 से मैंने गुड इन अ गुड वे सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी uh, क्योंकि तब मैं इंडिया से टोक्यो वापस गई और एक नया रूटीन में खुद को लेके आई और डॉक्टर के पास जब मैं गई थी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अपने बॉडी को एक्सेसिव स्ट्रेस में रखना बंद कर दीजिए आपके बॉडी के ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस हो गया है तो मैंने जिम जाना बंद कर दिया मैंने हेल्दी वे में जनवरी और फेबरवरी दो महीने में गुड फाइव के इंक्रीज किया है ऐसा नहीं है कि बस जंक फूड खा के वो फाइव के मैंने इंक्रीज़ किया है मैं बहुत ही हेल्दी वे में वॉकिंग करते हुए उस फाइव के को इंक्रीज़ किया था फिर मेरा अभी वेट है 50 के जी डॉट फिफ्टी के जी मेरा वेट है सो so, अभी मैं बहुत ज्यादा हेल्दी फील कर रही हूं अभी मेरा हेयर फॉल होता है अराउंड ट्वेंटी टू थर्टीज और जब मैं हेयर वॉश करती हूं तो अराउंड हंड्रेड कभी कभी हो जाता है कभी कभी क्रॉस कर जाता है कभी कभी उससे भी कम होता है सो so, लास्ट एक साल से मैंने कोई भी हेयर ऑयल नहीं यूज किया है कोई भी हेयर मास्क जो मैंने ट्राई किया था कोई किसी ने भी मेरे ऊपर काम नहीं किया कोई हेयर ऑयल कुछ नहीं फिर मैंने सेप्टेम्बर से, से सारी चीजों को यूज करना बंद कर दिया था और बस सप्लीमेंटेशन पे मैंने जनवरी से फोकस किया था सेप्टेम्बर से मैंने डाइट को धीरे धीरे घर आने के बाद से इंप्रूव करने की कोशिश की और फिर ना एक डर लगा था मेरे अंदर कि मेरा वेट ना इंक्रीज हो जाए वेट ना इंक्रीज हो जाए फिर मैंने देखा कि मेरे लिए हेल्दी वेट रेंज क्या है फिर मैंने देखा कि मेरा जो हाइट है फाइव फिट टू इंचेस और मेरा जो एज है उसके अंदर फिफ्टी केजीज इज अ वेरी हेल्दी वेट रेंज फॉर मी फिफ्टी केजीज सो मैंने फिफ्टी केजीज के अराउंड मेरे वेट को मेनटेन करने की कोशिश की तब से सो so, उसके बाद से मैंने पहला तो वेट गेन किया फाइव केजीज दूसरा सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जो दो सप्लीमेंट्स मैं लेती हूं उसका जो पिक्चर्स है मैं यहां पे स्क्रीन पे दे रही हूं तो आप देख सकते हैं बट गाइज आई रेकमेंड कि आप अगर कोई भी सप्लीमेंट कुछ भी इनटेक करते हो तो प्लीज उससे पहले जाके डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए क्योंकि ये सारा सप्लीमेंटेशन आप बिना ब्लड टेस्ट करके प्लीज मत लेना स्टार्ट कीजिए आई नो मल्टी मल्टीविटाम लेना अच्छी बात है फिर भी आप एक बार ब्लड टेस्ट कर लीजिए स्पेशली अगर आप विटामिन डी uh, का जो सप्लीमेंटेशन है वो लेना चाहते हैं या फिर आयरन का जो सप्लीमेंटेशन है क्योंकि आयरन पॉइजनिंग बहुत ही ईजीली हो जाता है सो so, प्लीज एक बार जाके आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए सो so, अभी आ, मैंने दो बॉटल जो ऑर्डिनरी का हेयर सीरम है वो खरीदा हुआ है और रोज मेरी इसेंशियल ऑयल जो कि मैं इस वीक से स्टार्ट करने वाली हूं यूज करना क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका जो हेयर आप लॉस किए हो वो नेचुरली एक साल के अंदर आप वापस आप गेन कर जाओगे अगर आपके हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉयड ना हो गया है तो सो so, इस बात पे मैं तो थोड़ा सा डर गई थी कि मेरा जो स्पेशली ये क्राउन एरिया है वो ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं क्राउन एरिया से मतलब इतना ज्यादा हेयर निकल गया था और वो इतना खाली हो गया था अब थाईलैंड पे मेरा पिक्चर्स देख सकते हो मैप पहनी हुई हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी नॉर्मली मेरा स्कैल्प को शो करने के लिए सो so, वो एम्बेरसमेंट तो धीरे धीरे मेरे अंदर से मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया और चला गया मैं अभी एक्सरसाइज तो करती हूँ पर मैं वॉकिंग करती हूं क्योंकि वॉकिंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन को इंक्रीज नहीं करता है जो कि है आपका स्ट्रेस हार्मोन बॉडी को आपको जितना हो सके कम स्ट्रेस में रखना है मैं आठ से नौ घंटे का स्लीप लेती हूँ काफी ज्यादा पानी पीती हूँ मैं अपने डाइट को इम्प्रूव की हूँ मैं कोशिश करती हूँ हर रोज दो एग खाना पनीर खाना सामन जो मुझे टोक्यो में इजीली मिल जाता है काफी एक्सपेंसिव है पर इजीली मिल जाता है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में ओमेगा थ्री है मैं उसको भी मतलब वीक में थ्री टू फोर डेज लेने की कोशिश करती हूँ मैंने प्रोटीन इनटेक इंक्रीज कर दिया है मैं अभी काब्स भी लेती हूँ एंड मैं स्पिनच लेती हूँ आयरन के लिए दाल जो पल्सेस है वेराइटीज टाइप का वो एक बोल करके हर रोज लेने की कोशिश करती हूँ सलाद लेती हूँ टमाटोज लेती हूँ जो कच्चा टमाटोज होता है विटामिन सी के लिए मैं उसको लेती हूँ ये सारी चीज़ें आपके बॉडी को जरूरत है क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया कि जब आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसीज़ में चले जाते हो तो आपका बॉडी सबसे पहले आपका नेल्स हेयर इन सारी जगह से न्यूट्रिशन को कट करना स्टार्ट कर देता है तो इसकी वजह से नेल्स जो है वो ब्रिटल हो जाता है आपका जो हेयर है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाता है सो so, इसके वजह से मैंने अपने बॉडी को जितना हो सके उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ और साथ ही साथ बॉडी में जितना हो सके उतना स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती हूँ और एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहती हूँ वो है कि आ, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी मैं इतना डरी हुई थी कि मैं डॉक्टर को बोली कि आप मुझे मिनॉक्सीडिल प्रेस्क्रिप्शन में लिख दीजिए मैं उसको स्टार्ट करना चाहती हूँ एंड टोक्यो में आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये सारे मेडिसिन नहीं एक्सेस कर सकते हो सो so, उन्होंने बताया कि वो मिनोक्सीडिल मुझे लेने से मना इसलिए किए उन्होंने बोला देखो जितना हो सके उतना नेचुरली गेन करने की कोशिश करो मिनोक्सीडिल अगर तुम लेना चाहते हो क्योंकि उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ होता है वो हेयर अगर तुम तो मिनोक्सीडिल को छोड़ दोगे कभी यूज करना तो वो सारा हेयर जो है वो झड़ जाएगा मिनोक्सीडिल एक ऐसा मेडिकेशन है जो तुम्हें पूरा लाइफ लॉन्ग यूज करते रहना पड़ेगा तो तुम जब प्रेग्नेंट होगी ब्रेस्टफेट करोगी तो तुम्हें वो मिनोक्सीडिल छोड़ना पड़ेगा और उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ तुम किए हो वो झड़ जाएंगे सो so, वो सुन के मैं तो डर गई और मैंने बोला कि मैं नेचुरली गेन करना चाहती हूँ जितना हो सके तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जितना हो सके उतना मतलब अपने बालों को जेंटली हैंडल करो उसके वजह से तुम्हारा जो ये टेलोजेन एफ्यूबियम चल रहा है ये स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस ये जेनरली होता है अगर आपके बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया है जब बच्चा होता है उसके बाद या फिर कोविड हुआ है आपको उसके बाद ये टेलोजेन एफ्यूबियम है ये हेयर जो झड़ जाते हैं वो वापस भी चले आते हैं अगर हेयर फॉलिकल्स डिस्ट्रॉयड ना हो गया है तो सो so, उन्होंने बोला तुम्हारा ये टेलोजन एफ्लूवियम की वजह से जो हेयर लॉस हुआ है वो इजीली गेन भी हो जाएगा पर उसके लिए तुमको टाइम देना पड़ेगा सो so, अभी तो मेरा सप्लीमेंटेशन मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था अभी मई चल रहा है सप्लीमेंटेशन के बाद मेरा हेयर काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है आज तो मैंने बस अपने हेयर को वॉश किया है और उसके बाद मैंने इसको कंगी तक नहीं किया है अब देख सकते हैं पूरा हेड पे मुझे बहुत ज्यादा बेबी हेयर्स निकल रहे हैं एंड आई एम वेरी happy with the result और आप पूछेंगे कि कौन सा शैम्पू आप यूज करते हो मैं जॉनसन बेबी का जो शैम्पू है नॉर्मल मैं उसी को यूज करती हूँ मैं दो बार करके रिंस करती हूँ अपने हेयर को क्योंकि एक बार करके रिंस करने से वो ठीक से साफ नहीं होता है अभी तक फिलहाल तो कोई हेयर कंडीशनर नहीं यूज कर रही थी अभी यूज करना स्टार्ट करने वाली हूँ एंड ऑर्डिनरी का हेयर सीरम भी यूज करना स्टार्ट करने वाली हूँ तीन चार महीने यूज करने के बाद आपके साथ अपडेट जरूर शेयर करने वाली हूँ दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो मोटिवेटिंग एंड हेल्पफुल लगा है अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज बाय बाय लव यू ऑल